हाथरस में अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर विवाद बताया जा रहा है कि NH-93 पर थाना चंदपा के पास यूपी पुलिस के गाड़ी चालक और थाने में तैनात एक होमगार्ड वाहनों से अवैध वसूली के बंटवारे को लेकर तकरार हो गई, जिसका वीडियो सामने आया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में होमगार्ड यूपी पुलिस गाड़ी के चालक पर 4 गाड़ियों पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा रहे हैं। वसूली का हिस्सा ना देने पर होमगार्ड जवान उससे गाली गलौज भी कर रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। चार गाड़ी से पैसा ले ले, फिर वो उधरी धक्का मार के बदतमीजी कर रहा हूँ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारी भी मामले की जांच में जुट गए हैं। DSP मनीषा सिंह का कहना है कि जांच हो रही है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में 100 नंबर पे जो आज विवाद हुआ है, इसमें क्या हो रहा है? अभी इसमें हम लोग सबकी जांच कर रहे हैं, बयान वगैरह ले रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देंगे। ठीक है।